एक बार सब लोग दिल से जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। मंच पे मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई सरदार भगवंत मान जी, मंच पे मौजूद हमारी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सभी सदस्यगण, आज यहाँ पे आए हुए सभी दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, पंजाब से आए हुए और दिल्ली के सभी एमएलए और सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज तीन महान हस्तियों का शहादत दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन लोगों ने आज सुप्रीम कुर्बानी दी थी हमारे देश को आजाद कराने के लिए। मैं सोच रहा था, सोच के देखो जरा, फांसी पे चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। एक छोटी सी चींटी अगर हमारे को काट जाए तो हमें दर्द होता है, फांसी पे चढ़ के अपनी जान दे देना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उसके लिए अलग किस्म का जज्बा चाहिए। और जब वो लोग फांसी पे चढ़ रहे थे, उनके दिल में क्या विचार होंगे आप सोच के देखिए। उनके दिल में भारत का सपना था। 23-23 साल के तीन युवा, भारत का सपना था उनके दिल में कि एक दिन हमारा भारत आजाद होगा, एक दिन उस भारत के अंदर सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर किसान खुश होगा, मजदूर खुश होगा, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, सारे देश के अंदर प्यार और मोहब्बत होगी। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन सब लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ खूब पोस्टर चिपकाए थे, खूब पोस्टर चिपकाए थे। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया था। आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों ने किसी को पोस्टर चिपकाने के जुर्म में एफआईआर नहीं की थी। भगत सिंह ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भारत बनेगा आज से 100 साल के बाद, कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर हो जाएंगी, 138 एफआईआर। इस देश के अंदर किसी महिला के साथ कुछ गलत काम हो जाए तो एफआईआर दर्ज कराना नानी याद आ जाती है। इस देश के अंदर चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कोई छीना झपटी हो जाए, मारपीट हो जाए, मर्डर हो जाए तो एफआईआर नहीं होती। 24 घंटे के अंदर पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर। छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया कहते हैं, एक कोई प्रिंटर है और छह लोग हैं जो बेचारे गरीब आदमी दीवारों पे पोस्टर चिपका रहे थे उनको। यार ये चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? हमारे महान देश के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर और छह गरीब आदमियों से भिड़े पड़े हैं परसों से, ये शोभा देता है हमको? इतने महान देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर से भिड़े पड़े हैं परसों से,
ये पोस्टर ही तो था मोदी हटाओ देश बचाओ, लगा लिया क्या फर्क पड़ गया? तबीयत ठीक है प्रधानमंत्री जी की? इतना डर किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? इतनी इनसिक्योरिटी, इतने इनसिक्योर हैं, लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। एक मेरे को बीजेपी वाला मिला, कहता है सर प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब है? कहता जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है 3 घंटे में? तो किसी इंसान का काम नहीं चलता 3 घंटे की नींद से, तो 6 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले, ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको जो सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे तभी देश तरक्की करेगा। आज इन्होंने, बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ भी बहुत पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में। मीडिया वाले आए, पता चला कोई पुलिस उनको, मेरी सारे पुलिस वालों से विनती है जोड़ के किसी को गिरफ्तार मत करना, जनता का हक है पोस्टर लगाना। केजरीवाल अच्छे काम करेगा तो जनता जय जयकार करेगी, केजरीवाल बुरे काम करेगा तो जनता पोस्टर भी लगाएगी मेरे खिलाफ। लगाए मेरे खिलाफ पोस्टर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं उन बेचारों को छोड़ दो यार, वो 6 गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दो, थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उन 6 को छोड़ दो, गिरफ्तार कर रखे उन लोगों को। हैं जी अभी आएंगे उस पे। आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार हो गया। आज से 3-4 साल पहले लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जनता को बड़ा अच्छा लगा, जनता ने सुना, टीवी में देखा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता को बड़ा अच्छा लगा। अगले ही दिन सोमवार को एक कांग्रेस का बड़ा नेता, उसके घर ईडी के छापे पड़े, उसके घर सीबीआई के छापे पड़े, खूब कैश मिला, खूब संपत्ति मिली, हिसाब बेहिसाब कैश मिला। मंगलवार को वो नेता जाके प्रधानमंत्री जी के चरणों में गिर गया, बोला प्रधानमंत्री जी मेरे को भाजपा ज्वाइन करनी है। बुधवार को उसने भाजपा ज्वाइन कर ली, बृहस्पतिवार को उसके सारे केस बंद कर दिए। तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नेता, उसके घर ईडी के और सीबीआई के छापे पड़े, खूब कैश मिला, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके सारे केस बंद कर दिए। तो लोगों को लगने लगा यार ये प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहा है, कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं? तो पूरे देश में एक राज्य के अंदर 8 MLA इन्होंने ईडी सीबीआई भेज के छापे मारे, उनको सारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक और राज्य के अंदर 20 MLA उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। तो प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ है, मोदी जी कह रहे हैं मेरे को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, करो भ्रष्टाचार, खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के नहीं करने दूंगा। दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, जो भ्रष्टाचार करना है मेरी पार्टी में आके भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार करो खुली छूट है, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, खुलेआम भ्रष्टाचार करो।
ये भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। इनके एक नेता हैं कर्नाटक में, उनके घर पे रेड हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा वो पहुंच कैसे गए उसके घर रेड में। उसे उम्मीद ही नहीं थी रेड होगी। 8 करोड़ रुपए कैश मिला, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ कैश मिला। अगले दिन बेल हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया के घर एक नया पैसा नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर 3-3 बार रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला। बैंक लॉकर से पैसा नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला। आज तक मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सतेंद्र जैन के घर रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला। 3-3 बार रेड हुई, एक नया पैसा नहीं मिला, आज तक उसको बेल नहीं मिली। कह रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अरे गुजरात के अंदर पता नहीं कितने लोग मर गए नकली शराब से, पता नहीं कितने सौ। मैं जब हमें और भगवंत मान गए थे उसी टाइम शायद 150 लोग, 150-150 लोग मरे थे शराब से, नकली शराब से। पता नहीं, कह रहे हैं वह शराबबंदी है, खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम शराब बिक रही है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शराब घोटाला अगर कहीं है तो गुजरात के अंदर है। कहते हैं 10-15 हजार करोड़ रुपए सालाना का शराब घोटाला है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है जी। 10-15 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला है गुजरात के अंदर, वहां पे कुछ नहीं होता। तो वो उनके अपने जब शराब घोटाला करते हैं, उनके अपने जब चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। अडानी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे, भ्रष्टाचार के, इसके उसके, सरकार ने उसकी हिम्मत नहीं सरकार की है कि इंक्वायरी तक नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कमेटी बिठाई है तो गड़बड़ तो है। सुप्रीम कोर्ट यूं ही तो कमेटी बिठा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई है, प्रधानमंत्री ने सीबीआई और ईडी नहीं भेजी अडानी के घर में। तो मैसेज सारा साफ है पूरे देश को कि मेरे वाले जब जब घोटाला करेंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी में रहकर भ्रष्टाचार करो, इसको भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं कहते। कभी मैं कर्नाटक में गया, कर्नाटक में वहां पे बीजेपी की सरकार है, उसको 40% कमीशन की सरकार कहते हैं। क्यों? हर ठेके में बताते हैं 40% लिए जाते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ होगा कि वहां के सारे ठेकेदार इकट्ठे हो गए। ठेकेदारों की एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि अब हमसे काम नहीं होता जी, 40% कमीशन देने के बाद कुछ नहीं बचता, आप कुछ करो। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ नहीं करा, जो ठेकेदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था उसको उठा के जेल में डाल दिया। एक व्हाट्सएप आया था, कहते हैं जी सारे देश में चुन चुन के मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में इकट्ठा कर लिया और प्रधानमंत्री जी अब चोरों के सरदार हैं। अच्छा नहीं लगता जब कोई प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब लोग आपस में ऐसी चर्चा करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी में अगर हमारा अपना भी अगर भ्रष्टाचार करता है तो बख्शते नहीं है हम उसको। जब मेरी दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में हमारा खाद्य मंत्री गड़बड़ करते हुए पकड़ा गया, अभी मीडिया को भी नहीं पता था, पुलिस किसी को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, मैंने अपने खाद्य मंत्री का मामला सीबीआई को सौंप दिया खुद ब खुद और उसको अपनी कैबिनेट से निकाल दिया। भगवंत मान साहब ने थोड़े दिन पहले इनका सेहत मंत्री, उसके खिलाफ इनको पता चला, उन्होंने अपने आप से सेहत मंत्री को हटा के पुलिस को सौंप दिया। अभी थोड़े दिन पहले एक एमएलए पंजाब के अंदर गड़बड़ करता हुआ पाया गया, अपना खुद का एमएलए इन्होंने पकड़ के उसको पुलिस को सौंप दिया। मोदी जी अगर ईमानदारी सीखनी है तो आप आम आदमी पार्टी से ईमानदारी सीखिए, नहीं तो ये भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आज दिल्ली की सरकार को चलाते हुए 8 साल हो गए,
इन 8 सालों में हमने जो भगत सिंह का सपना था, भगत सिंह के विचार थे, उसके हिसाब से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर गरीब के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, हर परिवार के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज जितनी तेजी से विकास हो रहा है, 75 साल के अंदर उतनी तेजी से विकास नहीं हुआ था। हमारी पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, हमारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। और जब मैं सरकार चला रहा हूं, मैं मीटिंग लेता हूं अफसरों की, मैं ये देखता हूं कि मुख्यमंत्री को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। ये अफसर आपको यूं घुमा देते हैं, आप मीटिंग लेते हो वो यूं घुमा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कोई क्या कह गया, आपसे यूं ही फाइलों के ऊपर साइन करा लेते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप सरकार नहीं चला सकते, आपको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। 2016 नवंबर में नोटबंदी की गई, पूरे देश में एक दिन रात को 8 नवंबर को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि आज से 500 के और 1000 के नोट लागू नहीं होंगे। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोगों के घर में खाने को नहीं था, लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए, पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए लाइनों में खड़े हुए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितनी दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरा देश 10 साल पीछे चला गया, पूरा देश 10 साल पीछे चला गया। बाद में मैंने पता किया ये नोटबंदी हुई क्यों थी, तो पता चला प्रधानमंत्री जी के पास कुछ लोग गए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया, बोले प्रधानमंत्री जी अगर आप नोटबंदी कर दोगे तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार दूर हुआ? बोले प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दोगे आतंकवाद दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आतंकवाद दूर हुआ? मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रधानमंत्री जी से एक पत्रकार ने पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा मैं हाई स्कूल तक गया हूं, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। एक और उनका भाषण सुन रहा था, उसमें वो खुद ही कह रहे थे मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं हूं, गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं समझ गया, अगर देश में आज पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, भाई साहब कभी भी नोटबंदी नहीं होती, क्योंकि वो समझ जाते कि नोटबंदी से कितना नुकसान हो सकता है। अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते हो तो देश 10 साल पीछे नहीं चला जाता, देश की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे नहीं जाती। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी तो लागू होना ही था, उसके पहले कांग्रेस की सरकार से यह जीएसटी के टाइम से जीएसटी का मामला चल रहा था। जीएसटी लागू किया गया, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया, आज पूरे देश के किसी व्यापारी से पूछ लो सारे छाती पीट के रो रहे हैं, ये क्या जीएसटी कर दिया है कि नहीं है, किसी से जीएसटी नहीं संभल रहा, इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिए, उनकी फीस रख ली है, जीएसटी पल्ले ही नहीं पड़ता। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, जीएसटी ठीक से लागू हो गया होता, इतनी तकलीफ नहीं होती पूरे देश के अंदर व्यापारियों को जितनी आज जीएसटी की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, ये 3 किसानों के खिलाफ कानून लेके आए, बोले बड़ी क्रांति आ जाएगी, बड़ी क्रांति आ जाएगी। किसान रो रहे हैं, पीट रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं मर जाएंगे ये कानून मत करो, माने ही नहीं। अंत पंत में जब एक साल कई 750 किसान शहीद हो गए, एक साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, उसके बाद इनको 3 कानून वापस लेने पड़े। आज अगर देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, वो पहले ही समझ जाते कि ये 3 कानून किसानों के खिलाफ है। पिछले 3 साल में देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये चल क्या रहा है? सरकारी स्कूल तो और खुलने चाहिए थे, 60,000 क्या 6 लाख सरकारी स्कूल खुलने चाहिए थे,
देश में 6.25 लाख गांव है, हर गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, और ये स्कूल बंद कर रहे हैं। आज अगर एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता, वो शिक्षा की कीमत को समझता, वो समझता कि देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, वो 60,000 सरकारी स्कूल बंद नहीं करते, वो 6 लाख नए सरकारी स्कूल खोलते। आजादी के बाद 75 साल हो गए, आज तक देश के सरकारी स्कूलों का इन सारों ने मिलकर भट्ठा बिठा दिया। गरीब अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। 75 साल के बाद ऊपर वाले ने एक शख्स को भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने देश के सरकारी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आप जाके देखो, अभी मैं 4 दिन पहले एक नया स्कूल उद्घाटन करके आया हूं, दिल्ली का DPS मॉडर्न स्कूल वसंत वैली, GD गोयंका को पीछे छोड़ते हैं आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल। इतना शानदार स्कूल, इतने शानदार सरकारी स्कूल, इतना हमारे बच्चे, गरीबों के, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। ऐसा शख्स जिसने देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों के मन में, उनके माँ बाप के मन में एक उम्मीद पैदा की कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। नहीं तो एक रिक्शे वाले का बच्चा सोचता था मेरा बेटा भी रिक्शा चला लेगा, मजदूर का बच्चा सोचता था मेरा बेटा भी अब मजदूर बनेगा बड़ा होके। अब ये सपना देख रहे हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अमीर बनेंगे। ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री जी ने जेल में डाल दिया। कोई अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो मेरे को फोन करते, कहते अरविंद जी पार्टीबाजी छोड़ो, आप ये मनीष सिसोदिया को मेरे को दे दो, मैं इसको देश का शिक्षा मंत्री बनाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? उन्होंने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बताओ, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अब मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी, फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। मुझे देश के लिए चिंता हुई कि इतने अच्छे शख्स को इन्होंने उठा के जेल के अंदर डाल दिया। हमारे देश में कोरोना हुआ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे मिलके देशवासी ताली थाली ताली बजाओ, उससे कोरोना भाग जाएगा। भागा कोरोना? एक दिन कई सारे वैज्ञानिक बैठे थे, उन वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले कि गंदी नाली में से जो बदबू आती है, उसमें जो झाग निकलते हैं ना गंदी नाली में, कीचड़ में से, बोले उसमें से वो जो गैस निकलती है उसमें से चाय बनाओ। तो यार सारे गैस का सिलेंडर छोड़ के गंदी नाली में से, ये क्या है? ऐसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। एक दिन बोले ये जो बारिश आती है, बारिश में बादल हो जाते हैं, बादलों के टाइम पे हमें आक्रमण करना चाहिए दूसरे देश पे, उसमें राडार में पकड़ा नहीं जाता वो। मैं देख रहा था, सारे मजाक उड़ा रहे थे उनका। अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस किस्म की बेतुकी बातें नहीं करते, जिससे देश का सर झुक जाता है इन बातों से। इससे बड़ी बात यह, मेरे को डर लगता है, जो अभी मान साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जब फाइलें आती हैं उनको आधे बार अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आज गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, सरकार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर मेरे से कहां साइन करा रहे हैं। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं है तो रोज पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं, कितने डिसीशन ले रहे हैं, वो डिसीशन सही है कि नहीं है, वो निर्णय सही है कि नहीं है, वो कौन करवा रहा है उनसे, कोई भी आके उनसे कुछ भी लिखवा के ले जाता है, कोई नोटबंदी करवा देता है, कोई थाली ताली भिजवा देता है, कोई किसानों के कानून बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। हमारे देश जा कहाँ रहा है? हमारा देश, डर लगता है मुझको।
इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूं, क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? ये हम सब लोगों को मिलकर सोचने की जरूरत है। अंत में आप सब लोगों से निवेदन है, पिछले कुछ दिनों के अंदर पंजाब में शांति बहाली करने के लिए, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारे प्यारे मान साहब ने जो काम किया है, जितनी मैच्योरिटी के साथ और जितनी शांति के साथ, एक खून की बूंद नहीं भाई, एक गोली नहीं चली, बिल्कुल अच्छी तरह की प्लानिंग के साथ उन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज पंजाब का बच्चा बच्चा, देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भी शानदार कानून व्यवस्था लागू कर सकती है। एक बार सारे जने खड़े होके मान साहब के लिए ताली बजा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। मगर वो तैयार है।